सारे सभी लोग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मैं आप लोग से बताया मैंने कि डीआई परसेंटेज और रेशियो दोनों पे पकड़ बनाए हुए हैं, उनका वो चैप्टर क्लियर है, उनको डीआई में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, डीआई में कुछ होता नहीं है, क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन बस खाली आपको लैंग्वेज समझ, लैंग्वेज आप समझ जाएंगे, डीआई क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएंगे। और डीआई में जितने भी टाइप्स के बनते हैं, बार हो गया, पाई चार्ट हो गया, इस तरीके का है, टेबल चार्ट हो गया आपका, इस तरीके से जितने भी इस तरह के ग्राफ बनते हैं सारे ग्राफ को आप पढ़ के जाइएगा। चलिए कुछ स्टार्ट, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम। पढ़िएगा पहला क्वेश्चन, पढ़िएगा देखिए इसमें क्या दे रखा है। इसमें देखिए आपको 18 आंसर, इसमें कॉलेज ये कॉलेज भी है, कॉलेज सी, तीन तरीके से कॉलेज दे रखे हैं। उसके बाद क्या कर रखा है, उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज का जो है परसेंटेज दे रखा है कि कितने परसेंट गर्ल्स हैं, कितने बॉयज, तो नहीं दे रखा है, सिर्फ परसेंटेज दे रखा है आपसे जो है। और जो इधर से जो ब्रांच दे रखी है, इस जो है आईटी ब्रांच कोई है, कोई ट्रिपल ई है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक, जो भी एग्रीकल्चर है, इस तरीके से सारी बहुत सारी जो है यहाँ पे इसकी ब्रांच दे रखी है। देखिए डीआई में करना क्या है कि आप सॉल्व सभी कर ले जाएंगे, आपको कम से कम कैलकुलेशन अपनी पकड़ बनानी है और साथ ही साथ ही कम से कम लिखना पड़ेगा, आधी कम ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने दिमाग में करना स्टार्ट करिए, ज्यादा बार बार लिखना नहीं है क्योंकि आप बताइए अब डीआई आई बार बार अब लिखेंगे तो आपका स्क्रीन से आप नीचे देखेंगे, उसमें टाइम लॉस होता है, तो माइंड में ही करने की कोशिश करिए। हम लोग चलते, ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए आपसे बोला है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज, देखिए बॉयज की बात कर दिया तो यहाँ पे गर्ल्स दिया तो आपको बॉयज निकालना पड़ेगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ईईई की ब्रांच है एंड ईआई डिपार्टमेंट इन कॉलेज, यानी कॉलेज की बात कर रहा है, बॉयज की बात कर रहा है और एक ट्रिपल ई ब्रांच की बात कर रहा है, कह रहा है टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन आईटी एंड एग्रीकल्चर। ये क्वेश्चन आपके सामने आया, आप बताइए जैसे क्वेश्चन आपके सामने आया तो सबसे पहले आप दिखाई दिखाई हमको बताइए, कॉलेज को पकड़िए आप जल्दी से, आप कॉलेज में जल्दी जाइए और तुरंत देखिए कि ट्रिपल जो ये ब्रांच दे रखा है ये इसमें बॉयज कितने हैं, जैसे आप यहाँ पे गए, जैसे आप यहाँ पे गए यहाँ सर माइक बहुत आवाज कर रही है, ऑफ करा दीजिए। कौन है, इतने लोग माइक क्यों, अंशु सिन्हा, राजन राय, और कौन है, अंशु सिन्हा अपना ऑडियो ऑफ करिए आप, देखिएगा मैंने क्या कहा आपको, सबसे पहले आप ये देखिए कि बॉयज की बात कर रहा है, कॉलेज की बात कर रहा है और ये देखिए ये वाली ब्रांच की बात कर रहा है, जरा बताइए कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं, परसेंटेज ऑफ बॉयज कितने हैं, कोई बताएगा, 56%। अब देखिए 56% निकालना है, इसका कौन है भाई, क्यों इतना आवाज कर रहा है, आप लोगों को आप सबसे पहली बार बता दे रहा हूँ, मैसेज करिए, आप लोग ऑडियो ऑन करके आप जवाब मत दीजिए, जिनको जो भी जिसको कुछ बोलना है वो मैसेज करे, ठीक है। देखिएगा मैंने क्या कहा आपसे कि आपको क्या करना है, वॉइस पता करना है और ई ट्रिपल ई ब्रांच की बात कर रहा है और कॉलेज की बात कर रहा है, और देखिये और इसका भी ध्यान जो दो दो डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, ये भी है ये भी है, तो सबसे पहले यार मैं आता हूँ अगर कॉलेज की बात करता हूँ तो जरा बताइए इस वाले ब्रांच में मैं अगर देखता हूँ तो गर्ल्स है 44%, तो जरा बताइए बॉयज कितने होंगे, 56%। अब 200 का 56% निकालना है इसका, देखिए एक बात परसेंटेज में याद कर लीजिएगा, चाहे मैं ए परसेंट ऑफ भी निकालूं चाहे मैं बी परसेंट ऑफ ही निकालूं, दोनों बातें क्या है एक ही होती है, दोनों बातें क्या है एक ही है, जैसे मैं कहूँ कि 56% ऑफ 200 का निकालिए या 200% ऑफ निकालिए 56 का, यानी कि आपको 56 का टू टाइम्स करना है, क्या करना है 56 का टू टाइम्स, कितना हो जाएगा 112। ये चीज देखिए आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, दिमाग में आ जाना चाहिए कि 56 का टू टाइम्स करना है, परसेंटेज का साइन आप किसी भी लगा सकते हैं, तो 100 आपका 12 हो गया। अगर मैं ई एन आई ब्रांच की बात करता हूँ, इधर देखिए इसको बात करता हूँ, जरा बताइए 55% है, तो जरा बताइए अगर गर्ल्स 55% है तो जरा बताइए बॉयज कितने परसेंट होंगे, 45% होंगे, और 45% अगर आपको निकालना है, अगर आपको 45% निकालना है तो आप क्या करना है, देखिए आप दिमाग लगाइए आप, मैं क्या करूंगा अगर मुझे निकालना नहीं होगा, अगर मुझे पेन नहीं चलाना है तो मैं इसका क्या कितना परसेंट निकालूंगा, पहले 40% निकालूंगा, कितना निकालूंगा 40%, जरा बताइए इसका 40% कितना हो जाएगा, 18 4 72,
ओरल लग जाएगा 40% 72 हो गया, बचा आपका 5%, 180 का 5% कितना होता है 9, 72 प्लस 9 यानी कितना हो जाएगा 81। पेन नहीं चलाना, सारी चीजें दिमाग में करनी, सारी चीजें दिमाग करनी। इसीलिए चलिए आपका समझ, सबको समझ में आया कि नहीं, ये आपका हो गया। अब आपसे क्या डिफरेंस पूछा है जल्दी बताइए, किस कॉलेज की बात किया, कॉलेज सी की बात किया है, गर्ल्स की बात कर रहा है, आईआईटी एंड एग्रीकल्चर की बात कर रहा है। जल्दी जाइए आप वहाँ पे देखिए, अब कॉलेज सी की बात कर रहा है, गर्ल्स की बात कर रहा है, आईआईटी, आईआईटी कहाँ पे है यहाँ पे जरा बताइए, 40% का कितना होगा ओरली याद है, 19 फोर्जा कितना होता है 76 हो गया प्लस, जरा बताइए एग्रीकल्चर की बात कर रहा है, नीचे आ जाइए, 44% निकालना है 225 का, इसको निकालना है। अब इसमें भी लिखना नहीं है, ये बताइए 225 अगर मैं ब्रेक कर दूं 200 प्लस 25, मेरे दिमाग में करना है, इसका हमको निकालना 44%, पेन नहीं चलाना, जरा बताइए 44% अगर 200 का निकालूंगा कितना आएगा, सीधे सीधे 2 टाइम्स कर लीजिए 88 आ जाएगा। और जब आप 25 का 44% निकालेंगे, मैंने कहा परसेंट का साइन आप बदल सकते हैं, यानी 25% आप 44 निकालिए, 25% क्या होता है 1/4, तो 44 का जब 1/4 निकालेंगे कितना का जरा बताइए कितना जाएगा, 11 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर कितना आ गया था आपका, कुल मिला कितना आ गया आपका 99। आप खुद सोचिए 200 का जब निकालेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा, 88 और प्लस 1/4 निकालिए 44 का कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करिए 11, तो जरा बताइए टोटल 99। ऐसे सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, दिमाग में ही सारी कैलकुलेशन आपको करनी है। जरा बताइए देखिए, यहाँ DI पढ़ाने का सिर्फ यही मकसद है कि आपको तो सारा चीज आता है, लेकिन क्या आप इस ढंग से करते हैं, क्या सारे, क्या आपको कम लिखना पड़ता है, क्या आपको अपने दिमाग में सारे कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, कैसे ब्रेक करना है अगर बड़े बड़े, इससे क्या होगा कि आपके जो एरर आते हैं सॉल्यूशन में सॉल्व करने में वो नहीं होंगे। देखो मैंने जैसे 200 ब्रेक किया, मुझे तुरंत दिख गया कि 88 प्लस 1/4 उसका हो जाएगा, मुझे कॉन्सेप्ट पता है 99 बिना मल्टीप्लाई किया गया। अब जैसे मैं यहाँ पहुंचा, मैं तुरंत ऑप्शन पे देखता हूँ सबकी लास्ट डिजिट अलग अलग, तो मैं यहीं से मैं चेक कर, देखिए 2 + 1 कितना आएगा 3, यहाँ देखिए 7 + 9 कितना आएगा 5, जब 3 में से 5 निकालेंगे 13 - 5 होगा 8 आएगा लास्ट में हमारा आंसर हो जाएगा, ये नहीं कि हम बैठ के ऐड करके माइनस करेंगे। बात समझ में आई, आप लोगों ने बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखी होंगी कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैलकुलेशन को DI में कैसे टैकल किया जाए, यहाँ पर हमारा मेन फोकस यहाँ पे होगा। ठीक है, आपने क्या देखा 213 आया, यहाँ पे लास्ट में देख रहा 5 आ रहा है, 3 में से 5 जाएगा नहीं, उधर कैरी लेगा, 13 - 5 करके क्या 18 आएगा, 8 देखते ही आपका आंसर हो जाना चाहिए। बात समझ में आई, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में जरा बताइए 112 कैसे आ गया था, ये क्या है। चलिए ठीक है, आप लोगों को अच्छा बताइए क्या तेज बताया जा रहा है, अगर थोड़ा सा तेज चल रहा होगा तो आप लोग मैसेज करके बताइएगा सर स्लो करिए। नो सर। ठीक है, हमारा सिर्फ एक ही काम है कि कैलकुलेशन को क्या करना है, यहाँ पे टैकल करने की टेक्निक देखनी है कि कहाँ कहाँ पे हम कैलकुलेशन को बचा सकते हैं। सर एक बार फिर से बता दीजिए, सौरभ जायसवाल, ये देखिएगा इसमें कुछ है नहीं, देखिए सर जायसवाल इसमें बताने की कोई, आप बिल्कुल सारी लैंग्वेज आप समझ पा रहे हैं, आपसे डिफरेंस पूछा था कि कॉलेज ए में जो ई ब्रांच के और जो EI ब्रांच, जो दो ब्रांच दे रखी है उनके में जो बॉयज हैं वो कितने कितने हैं, उनका सम में से आपको माइनस करना था टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन IIT और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन कॉलेज से। तो आप पता कर लीजिए, मैंने कहा भाई कृपा जी जो ये वाली ब्रांच है इसमें अगर 44% गर्ल्स हैं तो बॉयज आपने कहा कि 56% होंगे, तो आपने 200 का 56% निकाला, डायरेक्ट निकाला ओरली 56 का 2 times 112। उसके बाद मैं बताया E&I की बात कर रहा था, मैंने कहा E&I जो डिपार्टमेंट है जरा बताओ उसमें बॉयज कितने होंगे, आपने कहा कि 55% गर्ल्स हैं तो 45% क्या होंगे बॉयज होंगे। अब 180 का 45% निकालना है, मैंने कहा आपको पेन नहीं चलाना है, 180 का 40% निकालिए, 18 × 4 = 72 प्लस फिर 5% बच जा रहा है, तो 180 का 5% निकालेंगे, 18 × 5 = 9, 90 तो हो नहीं सकता, 50% 90 होगा, तो जाहिर सी बात है 9 ही होगा, तो 72 + 9 = 81। ये सर तुरंत मैंने इसको देख लिया, तुरंत ये तेज चलेगा, तो मैं समझा रहा हूँ ना बहुत तेज चलेगा। उसके बाद देखिए माइनस तुरंत करेंगे, उसके बाद तुरंत हम जाएंगे कॉलेज सी पे, कॉलेज सी पे गए गर्ल्स को देखा, IIT को देखा और एग्रीकल्चर को देखा, कॉलेज सी पे गए IIT पे गर्ल्स पे, गर्ल्स 40% 19 = 76 तुरंत गए, तुरंत देखिए अच्छा किसकी बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का सबसे नीचे कितनी गर्ल्स हैं 44%। मैंने कहा इसको 200 अगर ब्रेक कर लिया जाए दिमाग में, मल्टीप्लाई ना करना पड़े, तो 200 और 25 को अलग कर लीजिए, तो 200 का 44% निकालेंगे तो सीधे कितना 88 आ जाएगा। उसके बाद जो 25 बचेगा
उसका जब मैं 44% निकालूंगा, अब मैं जानता हूं कि परसेंटेज का साइन चेंज हो सकता है, चाहे मैं कहूं कि 44% 25 का निकालिए या मैं कहूं कि 25% निकालिए 44 का, दोनों बातें एक ही हैं। तो मैं तुरंत 25% को आपका फ्रैक्शन में दिमाग तुरंत जाना चाहिए कि 1/4, तो 44 का 1/4 करेंगे तुरंत आप आ जाएगा 11, और 88 में जब 11 आप ऐड करेंगे 99। ये सारी चीजें आपके बिना पिन चलाए हो जाएंगी, दिमाग के अंदर हो जाएंगी, अगर थोड़ा से परसेंटेज की आपको कमांड है दोनों को। अब देखिए माइनस करना था, मैंने देखा कि सारे डिजिट जो लास्ट डिजिट अलग अलग, तुरंत मैं गया, तुरंत मैंने क्या किया 2 1, मैंने कहा 3, यहाँ देखा 5, 3 में से 5 नहीं जाएगा, 30-5 यानी लास्ट में 8 आएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 18। बात समझ में आ गई, मुझे लगता है कि सभी लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे सीखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन को टैकल करेंगे। चलिए इसको बताइए। सभी लोग पेन कॉपी लेकर के बैठे रहे, जिस तरह दे रहा आप 30 सेकंड के अंदर इसको ट्राई करें सॉल्व करने का। जल्दी से क्वेश्चंस को पढ़ें, जल्दी से आप इस ग्राफ को देखें, क्योंकि डीआई का पोर्शन बढ़ सकता है आपके एग्जाम में, डीआई का पोर्शन बढ़ सकता है आपके एग्जाम, बस इतना ही टाइम मिलेगा। 18:23, वेरी गुड। देखिएगा इधर, देख बस इतना ही टाइम मिलेगा। देखिए बोला कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर, ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन जो भी होगा डिपार्टमेंट इन ऑल द गिवन कॉलेजेस टुगेदर। अब आपको क्या क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आप समझ गए, आपसे कहा कि भाई बताइए जितने भी कॉलेज हैं आपके उसमें जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को पता करना है, जितने मैकेनिकल के हैं और जो ई एंड आई के डिपार्टमेंट हैं, उन दोनों में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका रेशियो निकालना है। तो मैं अगर मैकेनिकल की बात करूं, मैंने इसको जो पकड़ लिया ये उसको पकड़ा, जरा बताइए सब कॉलेज का निकाल लीजिए, कॉलेज ए कॉलेज बी आपका या कॉलेज सी आपका, जरा बताइए इस बारे में कॉलेज ए में कितने हैं। कॉलेज अगर ए की बात की जाए तो मैकेनिकल कितने हैं 140, इसी तरीके से कॉलेज बी की बात की जाए तो मैकेनिकल कितने 160, इसी तरीके से अगर मैं कॉलेज सी की बात करूंगा कितने हैं यहाँ पे 150। अब इसको ऐड करना, क्या आप पेन चला के ऐड करेंगे, आप दिमाग में नहीं कर पाएंगे इसको 140, जरा बताइए 140 160 कितना होता है 200 और 60 और 40 मिलके 100 और 150 ऐड करेंगे 450, ये देखिए ऐसे चलना चाहिए 450 हो गया। अब आपसे बात कर रहा है कि ई एंड आई डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, चलिए तुरंत आइए ई एंड आई डिपार्टमेंट पे आ जाइए, आप टोटल ऐड करिए, देखिए 180, देखिए इसको देखिए, अब इसको नहीं किसमें इसमें ऐड करने लगे, इसको देखिए कुछ दिखाई दे रहा है आपको, देखिए 180 220 ऐड करिए, 2+1 375 400 400+175 करेंगे 575, प्लस कैंसिल कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 25 से डिवाइड करेंगे तो 18:23 तुरंत आपका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें, ये तो आसान क्वेश्चन था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देखना था मैकेनिकल में कितने हैं सभी कॉलेज के, और इसमें देखना था कि आपको ई एंड आई डिपार्टमेंट में टोटल जो कॉलेज है सारे आपके दिए गए हैं उसमें ई एंड आई के टोटल स्टूडेंट कितने हैं, दोनों का रेशियो निकालना था। किसी कोई डाउट है जरा बताइए। नो सर, क्लियर है। चलिए इसको बताइए। बताइए क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, पढ़िए जल्दी से पढ़िए, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन आईटी डिपार्टमेंट इन कॉलेज बी, कॉलेज बी की बात कर रहा है, आईटी डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, गर्ल्स की बात कर रहा है, कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन आईटी डिपार्टमेंट इन कॉलेज बी इज अप्रोक्स व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट कॉलेज सी। बताइए सभी लोग बताइए, गर्ल्स जो है आईटी डिपार्टमेंट में कॉलेज बी में कितनी है, आईटी डिपार्टमेंट आपका ये है बताइए, और कॉलेज बी आपका कहाँ गया ये जरा बताइए, गर्ल्स कितनी है 121, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन डिपार्टमेंट कॉलेज बी निकाल लीजिए, देखिए कितना परसेंट है 53, कितना है देखिए 220 गर्ल्स हैं, टोटल 220 है, उसका 55% गर्ल्स हैं कॉलेज बी में आईटी डिपार्टमेंट में, तो 55% निकालिए इसका,
देखिए 50% इसका कितना हो जाएगा, अगर मैं 50% निकालता हूँ कितना हो जाएगा, 110 आ जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 20, नहीं 120 का हाफ कितना होता है 110 आ जाएगा। उसके बाद जब इसका 5% निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए, 220 का जो 5% निकालेंगे तो क्या आएगा 121। देखिए इतना तो मैं डायरेक्ट, इतना मैं क्या करूंगा डायरेक्ट लिखूंगा, आप इतना चीज समझिए मैंने पहले बोल दिया है कि 220 करके इस तरह से आप, अच्छा अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए 200 अलग करिए 20 अलग करिए, ये अपने दिमाग में हो गया। देखिए अब बताइए क्या दिक्कत है इसका, देखिए 200 मतलब इसका दो गुना कितना होता है 110, और 20% का मतलब क्या 1/5, क्योंकि परसेंटेज इस पे लगा सकते हैं चाहे इस पे लगाएं, इस और 20% का मतलब 1/5 यानी 55 को 5 से डिवाइड करके 11, देखिए कितना आ जाएगा 121। ये सब कैलकुलेशन जब आप करते रहेंगे तो चीजें आपके लिए आसानी होंगी। चलिए बताइए, ये बताइए कह रहा है कि टोटल बॉयज कितने, बॉयज कितने हैं मैकेनिकल में, जरा बताइए मैकेनिकल आपका कहाँ गया, ये चला है आपका, और कॉलेज, कॉलेज सी कहाँ आपका, यहाँ पे है, जरा बताइए ये देखिए जरा ये यहाँ पे आइए, ये बताइए 150 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और 38% गर्ल्स हैं, बॉयज कितने परसेंट होंगे, 62% 62% तो कैसे क्या करेंगे आप जरा बताइए, सबसे पहले 60% निकाल लीजिए, 150 का जो 60% होता है वो 30 होता है, कितना होगा सर, कितना हो जाएगा 90 होता है, कितना होता है 90, और जब 2% निकालेंगे 150 का कितना आ जाएगा 3, 150% 30 तो नहीं सकता 3 होगा, तो 90 प्लस 3 करेंगे 93, ये चीजें आपके माइंड में चलनी चाहिए 120। अच्छा अब यही निकालना है जरा बताइए कितना होगा 130% अब अप्रोक्स, ये आपको अप्रोक्स निकालना है, कैसे निकालेंगे, कैंसिल हो रहा है क्या, मान लीजिए सोचिए अगर 120 होता, अगर ये 120 होता कितना आता ऊपर ऊपर होता है कितना आता, इसको निकाल लीजिएगा आप लोग, इसको आप लोग निकाल देखिए, अगर 120 होता और यहाँ पे मान ले 93 है तो कितना आ जाता 40 ऊपर आता और नीचे कितना आ जाता 31, तो 31 आता, इसका मतलब ये हुआ कि 4/, देखिए अगर मैं 31 को 30 मान के चलूं तो कितना आएगा, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है, ऑप्शन क्या है दूर दूर है, मैं आसानी से लगा सकता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि देखिए जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो तो जो परसेंटेज आएगा पहली बात वो 100 से ज्यादा होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गए। अब देखिए मैंने कहा कि 120 अगर होता तो आप बोले 40 होता, नीचे 31 होता, मैंने कहा 31 के बजाय अगर 31 के बजाय 30 लेंगे तो 4/3 आएगा, और 4/3 कितना होता है, कितना होता है 4/3 133 करके आएगा, 3 करके आएगा ना, यानी तो 130 के करीब में आंसर आपका होगा, यानी आंसर 130 आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये नहीं है कि बैठ करके आप 120 को 93 से डिवाइड कर रहे हैं, ये नहीं करना है, ये चीज करेंगे टाइम टेकन हो जाएगा, ऑप्शन दूर दूर था, हम लोग 121 को 120 में अज्यूम किए और मैंने देखा कि 40 आ गया 31 आ गया, मैंने कहा 31 तो कटेगा नहीं, अगर 31 को 30 मान लिया जाए तो 4/3 आ रहा है, 4/3 को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 133 समथिंग आएगा, 133 के समथिंग जरा बताइए अगर आएगा उसके नजदीक कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, 130 दिख रहा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अप्रोक्सिमेशन से सॉल्व करना है, क्या करना, पूरा डिवाइड वाइड नहीं करना है, वैल्यू को इस तरह से चेंज करके हम देख लेंगे कि कहां पे आंसर आपका बैठ रहा है, ठीक है, तो 130% आपका आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट है क्या सर, ये परसेंट में कैसे कैलकुलेट, सर परसेंट में कैसे कैलकुलेट, एक बार फिर से बता दीजिए क्या कह रहे हैं सर, परसेंट में कैसे कैलकुलेट किए, एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा परसेंट कैसे कैलकुलेट किए हैं ये बता दीजिए। देखिए कॉलेज बी की जहां तक बात है, देखिए मैं क्या कह रहा था, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बोल रहा था आईआईटी डिपार्टमेंट इन कॉलेज बी, ये बताइए कॉलेज बी आपका कहाँ पे, यहाँ पे कॉलेज बी आपका, यहाँ पे आईआईटी डिपार्टमेंट आपका यहाँ पे, गर्ल्स की बात कर रहा है, देख लीजिए 55% निकालना है इसका, क्या निकालना है 55%, ऑडियो ऑफ कर लें, 121/93 के बाद ऑफ कर लें, क्या कह रहे हैं आप, देखिए देखिए ये बेसिक चीजें, अगर आप इस, अब अगर आप ऐसा पूछेंगे अगर इस टाइम में तो बहुत दिक्कत वाली बात, हमारी क्लासेज आप लोगों ने परसेंटेज की नहीं की है क्या, ये सब मैंने परसेंटेज में जब मैंने पहली क्लास ली थी मैंने यही सारी चीजें सिखाई थी कि 200 का किसका परसेंट कितना होगा, किसका परसेंट कितना होगा, परसेंटेज का साइन कैसे कैसे बदलता है,
वन बाई एट को क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया था परसेंटेज को एकदम बेसिक उठा करके। मैंने बोला था उस टाइम कि डीआई जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं ऐसे ही कन्वर्ट करूंगा और फिर मैं वहां पे आपको नहीं समझाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, ये सब चीजें बताई जा चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, आपको सीखना नहीं है, आपको परफॉर्म करना है। क्या करना है, अब आपका टाइम सीखने का नहीं रहा, आपका टाइम अब उसको क्या करना है, परफॉर्मेंस देना है आपको। आप हम ये मान के चल रहे हैं कि आप सीख गए हैं, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। इसको आप फिर से वीडियो में देख लीजिएगा, जैसे मैंने एक बार बताया है ना, आप फिर से एक बार जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है वहां पे आप नोट कर लीजिए, वहां पे फिर वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। क्योंकि टाइम कम है, अभी एक ही डीआई चल रही है, 5 डीआई पढ़ाना आपको, बहुत टाइम टेकिंग है सर। टाइम टेकन कहां लग रहा है, तो समझाने में टाइम टेकन लग रहा है, जब आप परफॉर्म करेंगे टाइम लगेगा आपको करने में, जिस हिसाब से समझा रहे हैं। कैलकुलेशन आती है तो नहीं लगेगा, कैलकुलेशन आती है तो बिल्कुल नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल, आपने देखा नहीं, आप एनटीए का पेपर देखा था नहीं, उसमें 3 डीआई आई थी, 1 डीआई को छोड़ करके बाकी 2-4 डीआई आई थी, तीनों में टाइम लगा था, तीनों डीआई जो है 10-10 सेकंड की थी, 15-15 सेकंड की। हम लोग यहाँ पे जो डीआई करें ठीक ठाक लेवल की करते हैं। चलिए ये होगा जी, 44 बताइए सभी लोग, 44 बताइएगा क्या कह रहा है। एवरेज निकालना, देखिए डीआई में आपको रेशियो, आपको एवरेज और साथ ही साथ क्या क्या होता है, परसेंटेज, तीनों चीजों की अच्छी पकड़ बेसिक भी होनी चाहिए। नहीं पकड़ होगी तो आप डीआई के एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा कहीं पेपर उल्टा बन गया और 17-18 क्वेश्चन डीआई अगर बीएचयू में पूछ लिया तो सारे के सारे लोग क्या रह जाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए आप ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या रहेगा, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स। देखिए एवरेज निकालना, एवरेज जानते हैं आप लोग क्या होता है, अभी मैंने जस्ट पढ़ाया एवरेज क्या होता है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन आईटी मैकेनिकल एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन कॉलेज बी। अब कॉलेज बी कहाँ है, कॉलेज बी को पकड़िए आप लोग, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, गर्ल्स की बात कर रहा है, कौन कौन से डिपार्टमेंट की बात किया, आईटी की बात किया है, मैकेनिकल की बात किया है और मैकेनिकल के अलावा एग्रीकल्चर की बात यहाँ पे किया है, गर्ल्स की बात किया है। जरा बताइए सभी लोग, सभी लोग बताइए, ट्राई करिए कि कितने टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स होंगे, पहला बताइए, पहले में कितनी है, आईटी डिपार्टमेंट कॉलेज बी को पकड़िए, यहाँ देखिए 121 अभी तो हम लोग निकाले थे, इसको कितना आया था, 121 आया था। चलिए इसको तो मैं अभी निकाला था मैंने, अच्छा जरा बताइए 64 तो बताइए कितना आएगा, 64 देख लीजिए, 16 फोर जा देखिए 100 जब परसेंटेज के साइन से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 16 × 4 करेंगे 64। अब ये सब देखिए और तुरंत आगे जाइए, एग्रीकल्चर बताइए, अब देखिए बी में बात कर रहा है 35% की बात कर रहा है ना सर, 78 तुरंत देखिए 30% कितना होता है इसका, 30% का 35% निकालना है ना, 30% निकालना है ना, देखिए कितना 30% 42 आ जाएगा और 35% निकालना, तो मैंने कहा कि इसको क्या करिए आप 30 प्लस ब्रेक कर लीजिए आप, तो 30% जब निकालेंगे इसका तो 42 आएगा, उसके बाद जब इसका 5% निकालेंगे तो 7 आएगा, तो 7 और 42 जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, आ गया कैसे आ, समझा दें, देखिए हमने कहा भाई ये 140 है, इसका आपको 35% निकालना है, या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए जब नहीं समझ में आ रहा है, या तो ब्रेक करके लगे, दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं, जैसे आपको आप क्या करें 14-5 या 70 करेंगे, 0 आया कैरी 7 आएगा, 14-3 या 42 749 और 49% आपका आ जाएगा 49, ऐसे भी कर दिया था। चलिए सबको ऐड करिए और 3 से डिवाइड करिए, कितना आया जरा बताइए, 78। अच्छा मैं बिना डिवाइड करके लगा सकता हूँ, मैं बिना डिवाइड करके लगा सकता हूँ, कैसे जरा सोचिए, 4-1 कितना होता है, यूनिट डिजिट वाला एवरेज, 415 + 9 यानी 4 आ रहा है, 4 तब कब आएगा जरा बताइए, किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए 3 को 4 आ जाए, 8 से कहाँ चला गया, ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, या मैं ऐड करके भी कर सकता हूँ, 78 आपका आंसर हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको सिखाई गई हैं, तो इसको भी डीआई में अप्लाई करेंगे तो टाइम आपका बचेगा, बार बार लिखे जाएंगे, लिखते जाएंगे, अगर आप पता चला कि आप परसेंटेज भी आप लिख लिख के निकाल रहे हैं, 22 का इतना परसेंट, फलां का जितना परसेंट, हर चीज का परसेंट निकालेंगे तो फिर आपका बहुत टाइम टेकन हो जाएगा, अगर ज्यादा डीआई पूछ लेगा आप पेपर में तो फिर दिक्कत आ जाएगी, तो कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेन फोकस हम लोगों का सिर्फ क्या है, कैलकुलेशन पे फोकस करना है। चलिए 45 बताइए,
टोटल नंबर कह रहा है टोटल स्टूडेंट इन कॉलेज है, बताइए कि अप्रोक्स कितना परसेंटेज होगा, मतलब मोर या लेस होगा पूछा है। टोटल स्टूडेंट कॉलेज सी इन ऑल गिवन डिपार्टमेंट टुगेदर, यानी कि टोटल स्टूडेंट की बात किया है, टोटल स्टूडेंट की बात किया कॉलेज ए में और टोटल स्टूडेंट की बात किया है कॉलेज सी में। सभी लोग जल्दी ऐड करके बताइए जल्दी से, कॉलेज ए में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज ए में कहाँ चला गया बताइए। 995 सर, सबको ऐड करिए। 995 सर, 995 चलिए। और बताइए कौन सा बच्चा कॉलेज सी बताइए कितने हो गए, उसको भी ऐड करिए सभी लोगों को। कॉलेज सी देखिए यहाँ पे है, सबको ऐड करिए। 960 ऐड करना है, कैलकुलेटर से नहीं ऐड करना है, अपने अपने मन से ऐड करिएगा। नहीं सर कैलकुलेटर से, ये सर 960 आएगा, 960 आ गया ये। अच्छा देखते ही आंसर ये बताइए क्या कह रहा है, ये बताइए ये सी से लेस है कि मोर, ये बताइए क्या है, मोर रहेगा सर। पहली बात लेस वाला ऑप्शन कैसे मारिए, जितने जितने दोनों गए चले गए लेस वाले जितने, ऐसे ये एलिमिनेट करना सीख। अब देखिए अब आपका 50-50% का गेम हो गया है, ये गेम जानते हैं क्या है, ये गेम है, इसमें देखिए प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ गई सही करने, अगर आप सही भी नहीं तो अगर एक सेकंड बचा है, अगर आप सपोज क्या कर दे रहे हैं ठीक लगा दे रहे हैं अंदाज से, तो पॉसिबिलिटी आपकी ज्यादा है कि सही हो जाए। कितना आ गया जरा बताइए, कितना ज्यादा है सर, बी ऑप्शन है। कितना ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली लेके किए हैं, कितना जाएगा 35/8 इसको सॉल्व करिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बताइए, कैसे आएगा बताइए, कितना जाएगा 5-7 जा, अगर मैं 95 मान लेता हूँ तो कितना 7 सॉल्व कर लीजिएगा इसको, 36 के करीब है सर, 10% की वैल्यू 96 होगी और डिफरेंस 35 का ही, मतलब 10% से कम का वैल्यू आएगा तो 4% ऑप्शन डायरेक्ट लगा सकते हैं। हाँ 4% आएगा ठीक, बिल्कुल राइट, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका 10, हाँ ठीक है, हाँ ठीक, कितना जाएगा 4, अगर आप 1% क्यों निकालेंगे देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1% क्यों कितनी आ जाएगी यहाँ पे आ जाएगी, डिवाइड करिए 4 कहाँ 4 के आसपास आएगी, तो आपका आ जाएगा आंसर 4% मोर, ठीक है। किसी को इसमें किसी कोई डाउट है क्या, इसमें किसी कोई डाउट है, देखिए ये 960 जो होता है 100% होता है, 1% ये वैल्यू निकालेंगे तो आप 9.6 आएगा, अब इसमें देख लीजिए 94 क्या होता है 36 यानी 4 के करीब में आता है, इस पे इसको अप्रोक्स कर सकते हैं तो 4% आ जाएगा। जरा बताइए इस वाले डीएम कहीं किसी कोई प्रॉब्लम है, इसी क्वेश्चन में कोई बताए आप लोगों में से, नहीं सर नेक्स्ट सेट करते हैं।